Dear students, welcome to Gates Measures. आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ various ranges in case of a signed magnitude number, one's complement and two's complement number. मतलब competitive exam में, college university exam में बहुत बार आपने देखा होगा कि one's complement की range बताओ, two's complement की range बताओ. अगर आपको n bit binary number दिया हुआ है तो ये ranges कैसे find out करते हैं, मैं with example यहाँ पे आपको explain करता हूँ. तो guys, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे मैंने 3 बिट बाइनरी नंबर लिया हुआ है, तो आपको पता है कि कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स हैं. 000001 से लेके 111 तक ये मेरे पास रेंज पूरी की पूरी बनती है. ठीक है, अब यहां पे अगर आपको कोई साइंड के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मतलब कोई साइंड नहीं है, सिंपल हम अनसाइंड की बात करें, तो अनसाइंड में हमें पता है कि हम इसको क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, हम वन लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, इसको थ्री लिखते हैं, इसको फोर लिखते हैं, फाइव लिखते हैं, सिक्स लिखते हैं एंड सेवन लिखते हैं. कोई हम यहां पे साइन की बात नहीं करते, अनसाइंड के केस में हम इसको जीरो से सेवन नॉर्मल लिखते हैं. लेकिन अगर मैं साइंड मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब जब हम साइन की बात करते हैं कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, तब ये वाले जो हमारी जो MSB बिट होती है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, वो क्या बताती है, साइन बताती है. तो यहां पे अगर मेरी बिट जीरो है MSB, तो यानी ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है. और ये बाकी के जो दो बिट बच जाती हैं वो क्या बताती हैं, बाकी की बिट आपको बताती है कि नंबर है क्या, उसकी वेट बताता है. तो यहां पे ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और जीरो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो. तो यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि प्लस जीरो या सिंपल जीरो. इसको आप क्या कह सकते हो, प्लस वन कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, प्लस टू, और इसको आप क्या कह सकते हो, प्लस थ्री, क्योंकि इसमें यहां पे वन वन है, तो वन वन क्या होता है, आपका थ्री होता है, और आगे जीरो क्या है, ये बता रही है इसका साइन. तो जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, तो यानी प्लस थ्री. अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो यानी आपको ये तो पता लग गया एक नेगेटिव नंबर है, और जीरो जीरो मतलब जीरो, तो यानी एक तरह से ये माइनस जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब कहने की बात तो ये है कि आपको लगे सर प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो तो जीरो ही होती है, प्लस माइनस लिखते ही नहीं. फिलहाल के लिए एक बार लिख लो ताकि आपको रेंज जो है वो पता लग जाए. ये क्या है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. तो यानी साइंड मैग्नीट्यूड के केस में आपके पास रेंज जो है वो इस तरीके से डिसाइड होती है. फिर वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव नंबर है वो तो हम सिंपल ही लिखते हैं, जीरो वन टू एंड थ्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हम नॉर्मली लिखते हैं. लेकिन इसकी बात करें हम, ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये मेरा नेगेटिव नंबर है, यहां पे वैल्यू क्या है मेरी, जीरो जीरो. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, जीरो जीरो का, अगर आप जीरो जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होता है, वन वन होता है. तो वन वन क्या होता है, थ्री. तो यानी ये माइनस थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस थ्री. ये वाला माइनस टू, ये वाला माइनस वन, और ये वाला आपका माइनस जीरो. क्योंकि वन क्या है, जीरो. वन मतलब एक तरह से क्या है, आपका नेगेटिव नंबर, और बाकी के दो वन का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होता है, जीरो जीरो. तो यानी ये क्या है, माइनस जीरो को. तो ये आपकी रेंज जो है वो इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट की. टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको पता है ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो आप एज इट इज ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव के केस में आपको पता है यहाँ पे वन जीरो जीरो, 100 का मतलब क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखो यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में इसकी वेटेज कितनी होती है, 2^0, इसकी 2^1, और इस नंबर की क्या होती है, 2^-2. लास्ट वाले की हम वेटेज क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं. तो 2^0, 2^1, 2^2, लेकिन हम माइनस लिखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में. तो यानी 2^2 क्या हो गया, -4. तो यानी ये -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसी नेक्स्ट की बात करें तो ये नेगेटिव नंबर है, तो यहां पे 2^0, 2^1, 2^-2. तो ये -4 + 1 करोगे तो -3 आ जाएगा. तो -3 -2 -1, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज आ गई. तो ये 3 बिट के केस में हमारे पास आप कह सकते हो कि अगर मैं 3 बिट की बात करूं तो साइन मैग्नीट्यूड के केस में आपकी रेंज -3 से लेके +3 तक आ रही है. ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट का केस, तो उसमें भी -3 से लेके +3 ही आ रही है, बस उसकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग है. यहां पे -0 से फिर 3 है, -0 से -3, 0 से 3, और -0 से -3. यहां पे 0 से 3, लेकिन यहां पे जस्ट अरेंजमेंट इसका उल्टा है,
ये 0, 1, 2, 3 है, ये इस तरीके से उल्टा है, लेकिन रेंज जो है वो बराबर ही है। तो यहाँ पे याद रखना कि साइन मैग्नीट्यूड और वंस की रेंज जो है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। देन टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या आ रही है, टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज यहाँ पे आ रही है -4, 2+3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करो ध्यान से, तो क्या मेरे पास निकल के आ रहा है, जो साइंड मैग्नीट्यूड है, साइंड मैग्नीट्यूड के केस में आपकी रेंज 0 से लेके -3 तक आ रही है, और एक आ रही है 0 से लेके आप +3 तक कह सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम ही आ रही है, यहां पे आप कह सकते हो कि मेरी रेंज जो है वो 0 से यहां पे -4 तक नहीं आ रही, यहां पे रेंज जो है वो -1 से -4 तक आ रही है और 0 से लेके +3 तक आ रही है। ये इंपॉर्टेंट केस है, यहां पे देखो 0 से लेके 3 तक आ रही है और -1 से -4 तक आ रही है। यहां पे -0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे इसमें -0 इसमें ये रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये एक्स्ट्रा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस के केस में। बस इसी को ही हमें एनालाइज करना है। तो अगर मैं n बिट का नंबर ले लूं तो n बिट के केस में आप कह सकते हो कि एक तरह से मेरी, देखो जैसे मैंने 3 बिट का नंबर लिया तो 3 बिट के केस में 2 raised to power 3 टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनी, ठीक है, जिसमें से हाफ आपकी पॉजिटिव है, हाफ आपकी नेगेटिव है, ठीक है। अब जो नेगेटिव है उसमें रेंज जो है वो बनी 0 से लेके -3 और पॉजिटिव के केस में 0 से लेके 3, मतलब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो 0 से -3, 0 से +3, ऐसे ही हम यहाँ पे देखो 4 बिट जो है, मतलब मैं अगर 4 यहाँ पे रेंज दे तो 0 से -3 और 0 से +3। तो अगर मैं n बिट की बात करूं तो n बिट के केस में टोटल पॉसिबिलिटी 2 raised to power n बनेंगी, जिसमें से अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करूं, क्यों, क्योंकि हाफ मेरी क्या है नेगेटिव वैल्यूज और हाफ मेरी क्या है पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव के केस में 0 से लेके आपका -2 raised to power n-1 तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे मेरी जो वैल्यू है वो 0 से -3 तक जा रही है। तो माइनस थ्री मतलब टोटल 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, लेकिन रेंज बन रही है मेरी 0 से -3, यानी एक कम, तो 2 raised to power n-1 मैक्सिमम नंबर बनेगा, उससे एक कम तक मेरी वैल्यू जा रही है और ये नेगेटिव में वैल्यू है। अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो 0 से लेके 2 raised to power n-1 तक पॉजिटिव बनेगी। तो इसी को अगर हम कंबाइंड करके लिखें तो आप कह सकते हो -2 raised to power n-1 -1 से लेके 2 raised to power n-1 -1 जो है वो इस तरीके से रेंज आएगी। ये किस केस में, साइंड मैग्नीट्यूड के केस में एंड वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में जो है वो आपकी यही रेंज रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव वाली है वो तो सेम ही है, मतलब वो तो यही रहेगी, लेकिन नेगेटिव वाली जो है वो एक ज्यादा आ रहा है नंबर। एक ज्यादा का मतलब क्या है, हमें इस -1 को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि एक तरह से रेंज क्या बनी, -2 raised to power n-1 करने की जरूरत ही नहीं अब, क्यों, क्योंकि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है -4, तो यानी यहां पे इसकी रेंज जो है वो 2 raised to power n-1 तक, ये जो है वो रेंज बनी टूज कॉम्प्लीमेंट की, और ये रेंज बनी आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट एंड साइंड की, क्योंकि इन दोनों की रेंज जो है वो बराबर होती है। तो अब आपको कोई भी नंबर दे दे, 4 बिट दे दे, 5 बिट दे दे, 10 बिट दे दे, आपको बोल दे कि मैक्सिमम नंबर क्या आएगा नेगेटिव के केस में, पॉजिटिव के केस में, जस्ट आप एन की वैल्यू भरो, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो नेगेटिव में मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, ये आएगा, उसमें ये आएगा। जैसे आपको 4 बिट का दे दे, लेट्स सपोज आपको दे दे कि 4 बिट में रेंज क्या बनेगी, तो 4 बिट का अगर आपको नंबर दे दे तो 2 raised to power 4-1, अगर आप करोगे क्या बन गया, 2 raised to power 3 बन गया, विच इज 8, 8-1 करोगे तो क्या बन गया, 7, तो यानी -7 से +7 आएगी साइंड और वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में, वहां पे अगर आप 4 वैल्यू यहां पे पुट करते हो तो -8 से लेके +7 तक आएगी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो 4 बिट 5 बिट जो मर्जी दे देंगे इस रेंज से याद रख सकते हो। वैसे तो एग्जाम में ये रेंज आप याद ही रखो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर इनकेस नहीं याद रहती तो आप इस तरीके से डिराइव भी कर सकते हो। थैंक यू।